क्या सचमुच आप मुझे तलाक देना चाहती हैं? क्या वाकई में आपके लिए मुझे छोड़ना इतना आसान है? दूर की फिक्र तो कर ली आपने, पर मेरी फिक्र कौन करेगा? अजान मेरा वो ख्वाब है जो मैंने हमेशा से देखा था, जो आप मुझे देना चाहती थी। शायरा ने तो सब कुछ छीन लिया मेरा। या अल्लाह, आप इसे समझाइए मीनू, इसे समझाइए कि जो वो हासिल करना चाहती है वो मुमकिन नहीं है। हमने दूर से वादा किया है। वादा तो आपने मुझसे भी किया था शायरा, आपने मुझसे नहीं किया था कि जिंदगी भर साथ में पड़ेगी। उस वादे का क्या? उस वादे को भूल गई आप? तुम आप पीछे पीछे रह पाएंगे मेरे बिना? नहीं रह पाएंगे आपके बिना, नहीं जी पाएंगे आपके बिना। जीना बहुत से भी बदतर है। तुम एक काम करते, मर जाते, क्योंकि आपके बिना जीना तो मरने जैसा ही। बस कीजिए आजाद, जिसे देखो मरने की बातें कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे सर पे दो खून के इल्जाम है, तीसरी मरने को तैयार है, अब आप भी। किसकी बात कर रही हैं? शायरा जवाब दीजिए, किसकी बात कर रही हैं? नूर की। नूर ने हमसे कहा था अगर हम उसकी बात ना माने तो वो अपनी जान दे देगी। उसने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी आजाद। मुझे मेरा आजाद लौटा दो, वरना वरना क्या दूर, वरना मैं अपनी जान दे दूँ। अम्मी और तुम्हें वक्त चाहिए ना? ये मौत के बारे में अगर तुम सर है तो मेरी तरफ की तरफ से शायद सोचना मौत की तरफ। तुम्हें सब मेरे लिए बताना है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। आप बताइए हम क्या करते हैं सर? दूर को बचाने के लिए हम अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं। अजान क्या हुआ? अजान कहाँ ले जा रहा है? अजान आपके बात क्या है? अजान हाथ छोड़। अजान क्या कर रहे हैं आप? क्या कहाँ ले जा रहे हैं नूर को? अजान अजान कहाँ ले जा रहे हैं? अजान अजान बड़ी अभी तुझे आवाज दे रही, कहाँ ले जा रहे हैं? अजान 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 या अल्लाह, अजान के सर पर खून सवार है, जोश में आके कुछ करना ले। अम्मी आप टेंशन मत लीजिए, हम वादा करते हैं ना आपकी बेटी को कुछ होगा और ना ही बेटी को। हमारे बच्चों की हिफाजत करना। अम्मी आई अजान नूर को लेके कहाँ जा रहा है? जानू में जाए, जाए पर वापस ना आए, और अगर वापस आए तो इन तीनों की मौत की खबर आए। अगर ऐसा हुआ ना तो बहू बेगम की हिम्मत टूट जाएगी और हमारा बेबी हो जाएगा आजाद और पूरा भोपाल हमारा। आमीन। सुमा में क्या बात है? बचपन में खेल तू शुरू करती थी और खत्म मैं करता था, आज भी कुछ ऐसा होगा। पागलपन तूने शुरू किया है नूरी, खत्म मैं करूंगा। मरने का बहुत शौक है ना तुझे? चल साथ में मरते हैं। अजान
ऐसे मत कीजिए अजान, रुक जाइए अजान। तू तो मौत से डरती नहीं है ननुजी, अपनी अजान के लिए जान दे सकती है, तो क्या वो डर क्यों गई? तू मुझे अभी तक नहीं समझा ना अजान, मैं शायरों को धमकी नहीं दे रही थी, जो मैं कहती हूँ वो करती हूँ। चल बड़ा स्पीड, देखते हैं मौत से पहले नजरें कौन मिलाता है, मैं या तू। करे तो क्या करे, तुझे अंदाजा भी है तेरी इज्जत तेरा पागलपन में कहां ले आए? इज्जत नहीं है अजान, ये इंसाफ है, और इंसाफ मांगना गुनाह नहीं होता। ये गुनाह है नूर, किसी का प्यार उससे छीनना गुनाह। तो फिर शायरा तो मुझसे बड़ी गुनेगार निकली, क्योंकि उसने पहले मुझसे तुझे छीना, फिर मेरी अम्मी को छीना, फिर फैज को छीना। मैं कभी तेरा था ही नहीं नूर, तू अपने दिल से पूछेगी तो भी तुझे यही जवाब मिलेगा कि ये तेरी इज्जत है। कुछ फैसले तो मोहब्बत के बिना पे नहीं लिए जा सकते हसान, कुछ फैसले अपने हक के लिए लिए जाते हैं, और तू तू मेरा हक है। हसान प्लीज रुक जाइए हसान। हमें किसी भी तरह हसान को रोकना होगा, कोई शॉर्टकट ढूंढना होगा। अभी भी वक्त है, बोल रहा हूँ मुझे पाने का ख्वाब छोड़ दे। मैं जीना छोड़ सकती हूँ अजान, लेकिन तुझे नहीं। तेरे साथ जी तो नहीं सकता नूर, पर चल तेरे साथ मर जरूर सकता हूँ। हमें शायरा को ढूंढना होगा। अजान चल, अजान, अजान। शायरा की हिफाजत करना, शायरा तुम कुछ नहीं होगा शायरा।
आपकी हमारी दुपट्टों से क्या दुश्मनी है? इस वाले तक हाथ नहीं पोछे तो ऐसे ही खराब करा दिया। सर, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं रह पाएंगे आपके बिना, नहीं जी पाएंगे। शायरा 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 शायरा